नमस्कार, मैं हूं गिरीश और आप देख रहे हैं इन खबर। जैसे जैसे देश भर में कोरोना के आंकड़े कम होते गए, ठीक उसी प्रकार सभी राज्यों ने कोरोना के प्रति जो पाबंदियां लगाई थी वो कम कर दी। कुछ राज्यों में मास्क फ्री का ऐलान कर दिया गया, मास्क पर लगने वाले फाइन को भी कम कर दिया गया। इसका असर ये हुआ कि मेट्रो शहरों में एक बार फिर कोरोना अपनी रफ्तार पकड़ने लगा है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 325 मामले सामने आए हैं, जो बीते एक हफ्ते की तुलना में एकदम दोगुने हैं। पहले ये आंकड़े दिल्ली में 180, 120 के पास रहते थे, लेकिन एकदम कोरोना की रफ्तार राजधानी दिल्ली और आसपास के NCR के इलाके में बढ़ी है और दोगुनी रफ्तार से कोरोना के जो नए केस हैं वो दर्ज किए जा रहे हैं। इसमें खास बात एक ये है कि कोरोना के नए मामले 16 से 18 साल के बच्चों में दर्ज किए जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं और दिल्ली और NCR के इलाकों में बीते एक हफ्ते में कोरोना से संक्रमित बच्चों की संख्या बढ़ी है। अकेले नोएडा में पिछले एक हफ्ते में 44 बच्चे कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद स्कूलों को बंद कर दिया है और ऑनलाइन माध्यम से क्लास चल रही है। इस बीच खबर सामने है कि दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के चलते DDMA अगले हफ्ते 20 अप्रैल को एक अहम बैठक बुलाने जा रही है, जिसमें कोरोना को लेकर चर्चा होगी और जिस कदर कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है उससे स्वास्थ्य विभाग और सरकार की चिंता बढ़ना जरूरी है। बीते एक हफ्ते में जिस तरह से कोरोना की रफ्तार बढ़ी है, इससे निश्चित तौर पर सरकार और स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि एकदम से कोरोना की रफ्तार दोगुनी हुई है। जो आंकड़े पहले 100 के आसपास थे, अब वो 300 के आसपास पहुंच गए हैं। इस बैठक में ऐसी खबर है कि इस बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क को मैंडेटरी और सिनेमा हॉल में सख्ती, सरकारी दफ्तरों में मास्क को अनिवार्य करने जैसे फैसले लिए जा सकते हैं। हालांकि ये हालात पर निर्भर करेगा और अधिकारियों पर ये निर्भर करेगा कि वो फैसले क्या लेते हैं, और जिसके बाद DDMA एक नई गाइडलाइन जारी करेगा और जिसे फॉलो करना सबको ज़रूरी होगा। खैर, हम आपसे अभी यही अपील करते हैं कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, आप मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का नियमित रूप से पालन करें। यदि आपने वैक्सीनेशन अभी तक नहीं लगवाया है तो अपने बच्चों और अपनों को वैक्सीनेट जरूर करें। बाकी देश दुनिया के तमाम नई अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।